कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी मानव तस्करी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहीं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आया है, जहां एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिससे मानवता ही शर्मसार हो गई है। आरोपी ने खुद कबूल किया है कि अब तक उसने 300 से ज्यादा लड़कियों की खरीद फरोख्त की है। इतना ही नहीं, जब उससे बेचने के लिए कोई नहीं मिला तो उसने अपनी ही बहू को 80,000 में बेच दिया। मामले के खुलासे के बाद से पुलिस भी हैरान है। जानकारी के अनुसार गुजरात से 8 लोग आए थे और उन्होंने पैसे का भुगतान भी कर दिया था। पुलिस ने इस खरीद फरोख्त में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इन लोगों के खिलाफ मानव तस्करी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है।